नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। कहिए आप सब कैसे हैं? हम सब ठीक हैं, आशा करती हूँ आप भी सब परिवार अच्छे ही होंगे। तो सुबह का काढ़ा पिया तो हो गया, अब सोच रही हूँ नाश्ता क्या बनाऊँ। तो मेरा बेटा कहा जो वो हलवा खाएगा, तो वो मीठा हलवा खाता है और हम दोनों मीठा नहीं खाते हैं। तो सोचे हम लोग उपमा बना लेते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं सब तैयारी करके रखी हूँ। देखिए ये मेवा है, तेज़पत्ता और इलायची ये देंगे हलवा में। और हाँ, सूजी भूज कर रखी हूँ, एक ही बार दोनों सूजी भूज ली हूँ। और ये कच्चा बादाम, प्याज और हरी मिर्च काट के रखी हूँ ये उपमा के लिए। तो चलिए उपमा बनाते हैं और हलवा बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए मीठा सूजी बनाते हैं। उसके लिए इसमें घी डाल दें, घर का बना हुआ। घड़ी में बनाई हूँ मैं घी, ये डाल दिया। अब इसमें सूजी दे दूँ, बस बहुत हुआ। वो अकेला ही खाएगा ये, इसके लिए बहुत है। ऐसे मैं भूज कर रखे थे, इसमें मेवा डाल देती हूँ। सूजी तो पहले से ही भूजा हुआ था, थोड़ा इसमें पानी डाल दूँ। थोड़ा पानी दूंगी और थोड़ा दूध दूंगी। थोड़ा दूध डाल दो, सूजी होने दीजिए, सूख जाएगा। दोस्तों मेरा सूजी बन गया, ये मीठा सूजी है हलवा और ये उपमा है, दोनों मेरा बन गया। और अब जा रही हूँ नाश्ता करने, नाश्ता करके सोचूंगी जो दोपहर का खाना क्या बनेगा। तो अभी बाज़ार आया नहीं है, नाश्ता करके जाएंगे बाज़ार लाने। पता नहीं अब क्या होगा, क्या लाएंगे, क्या बनेगा। तो चलिए नाश्ता करते हैं दोस्तों। चलिए आज माइक्रोवेव साफ करते हैं, क्योंकि रोज़ तो पूरा घर एक साथ सफाई करना संभव है नहीं। तो अभी सब्जी चिकन बनाई हूँ दोपहर के लिए, तो चिकन मेरा बन रहा है। और मैं तब तक सोची जो माइक्रोवेव साफ़ कर लूँ, तो इसलिए इसमें एक कटोरे में थोड़ा सा पानी लेकर गर्म होने दे दी हूँ, जिससे अगल बगल जो गंदा लगा हुआ है वो फूल जाए पानी के भाप से और हमें साफ़ करने में सुविधा हो। तो हफ्ते में एक बार माइक्रोवेव करती हूँ साफ़। एक मिनट हो गया है, तो अब स्विच ऑफ करूँ। पहले स्विच ऑफ, हम माइक्रोवेव खोल दिया। इसमें थोड़ा सा पानी दिए थे देखिए, और अब जाके इसको निकाल लेते हैं। निकाल के यहाँ साइड में रख दे रही हूँ, और फिर इसे साफ कर लो। देखिए कितना गंदा, एक बार फूल गया है, बस एक बार पोंछने से ही साफ हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा गंदा ना करके हफ्ते में एक बार थोड़ा थोड़ा साफ यदि कर दिया जाए तो ज़्यादा गंदा जमता नहीं है और अच्छी तरह साफ हो जाता है, ज़्यादा गंदा नहीं है। गंदा होने ज़्यादा मत दीजिएगा, ये सब चीज़ गंदा अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। ठीक है, मैं साफ करके पूरा दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए मेरा माइक्रोवेव साफ हो गया है, देखिए पूरी तरह साफ है ये। और
फ्रिज को भी मैं साफ कर ली हूँ, बाहर से ही आज की हूँ, फिर किसी दिन अंदर साफ करूँगी। और ये सब साफ हो गया है, सब साफ हुआ है। तो पूरा साफ सफाई हो गया है। कितना धूप निकल रखा है, कुछ देर पहले ठंड लग रही थी और अभी गर्मी है। मेरा खाना कंप्लीट है, देखिए क्या क्या बनाई हूँ मैं। ये आलू बैंगन बड़ी का सब्जी है, ये चिकन है और ये ऑमलेट, ये सुबह का नाश्ता जो था वो, और ये चावल। बस आज का दोपहर का खाना यही है। तो यहाँ ऊपर का काम तो सब हो गया है, अब नीचे करने जा रही हूँ। आज का वीडियो यहीं तक रहा, कल फिर मिलेंगे। नमस्ते, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते, कल फिर मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात, कहिए आप सब कैसे हैं। हम सब ठीक हैं, आशा करती हूँ आप भी सब परिवार अच्छे ही होंगे। तो सुबह का काढ़ा पिया तो हो गया, अब सोच रही हूँ नाश्ता क्या बनाऊँ। तो मेरा बेटा कहा जो वो हलवा खाएगा, तो वो मीठा हलवा खाता है और हम दोनों मीठा नहीं खाते हैं। तो सोचे हम लोग उपमा बना लेते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं सब तैयारी करके रखी हूँ। देखिए ये मेवा है, तेज़पत्ता और इलायची, ये देंगे हलवा में। और हाँ, सूजी भूज कर रखी हूँ, एक ही बार दोनों सूजी भूज ली हूँ। और ये कच्चा बादाम, प्याज और हरी मिर्च काट के रखी हूँ ये उपमा के लिए। तो चलिए उपमा बनाते हैं और हलवा बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए मीठा सूजी बनाते हैं, उसके लिए इसमें घी डाल दें, घर का बना हुआ। घड़ी में बनाई हूँ मैं घी, ये डाल दिया। अब इसमें सूजी दे दूँ, बस बहुत हुआ, वो अकेला ही खाएगा ये, तो इसके लिए बहुत है। ऐसे मैं भूज कर रखे थे, इसमें मेवा डाल देती हूँ। सूजी तो पहले से ही भूजा हुआ था, थोड़ा इसमें पानी डाल दूँ, थोड़ा पानी दूंगी और थोड़ा दूध दूंगी। थोड़ा दूध डाल दूँ, सूजी होने दीजिए, सूख जाएगा। दोस्तों मेरा सूजी बन गया, ये मीठा सूजी है हलवा और ये उपमा है, दोनों मेरा बन गया। अब जा रही हूँ नाश्ता करने, नाश्ता करके सोचूंगी जो दोपहर का खाना क्या बनेगा। तो अभी बाज़ार आया नहीं है, नाश्ता करके जाएंगे बाज़ार लाने, पता नहीं अब क्या होगा, क्या लाएंगे, क्या बनेगा। तो चलिए नाश्ता करते हैं दोस्तों। चलिए आज माइक्रोवेव साफ़ करते हैं, क्योंकि रोज़ तो पूरा घर एक साथ सफाई करना संभव है नहीं। तो अभी सब्जी चिकन बनाई हूँ दोपहर के लिए, तो चिकन मेरा बन रहा है और मैं तब तक सोची जो माइक्रोवेव साफ़ कर लूँ। तो इसलिए इसमें एक कटोरे में थोड़ा सा पानी लेकर
गर्म होने देती हूँ, जिससे अगल बगल जो गंदा लगा हुआ है वो फूल जाए पानी के भाप से और हमें साफ़ करने में सुविधा हो। तो हफ्ते में एक बार माइक्रोवेव करती हूँ साफ। एक मिनट हो गया है तो अब स्विच ऑफ करूँ। पहले स्विच ऑफ, हम माइक्रोवेव खोल दिया। इसमें थोड़ा सा पानी दिए थे देखिए, और अब जाके इसको निकाल लेते हैं। निकाल के यहाँ साइड में रख दे रही हूँ। अब फिर इसे साफ कर लो। देखिए कितना गंदा, देखिए एक बार फूल गया है। बस एक बार पोछने से ही साफ हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा गंदा ना करके हफ्ते में एक बार थोड़ा थोड़ा साफ यदि कर दिया जाए तो ज़्यादा गंदा जमता नहीं है और अच्छी तरह साफ हो जाता है। ज़्यादा गंदा नहीं है, गंदा होने ज़्यादा मत दीजिएगा। ये सब चीज़ गंदा अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। ठीक है, मैं साफ़ करके पूरा दिखाती हूँ। दोस्तों देखिए मेरा माइक्रोवेव साफ हो गया है। देखिए पूरी तरह साफ है ये। और फ्रिज को भी मैं साफ कर ली हूँ। बाहर से ही आज की हूँ, फिर किसी दिन अंदर साफ करूँगी। और ये सब साफ हो गया है, सब साफ हुआ है। तो पूरा साफ सफाई हो गया है। कितना धूप निकल रखा है। कुछ देर पहले ठंड लग रही थी और अभी गर्मी है। मेरा खाना कंप्लीट है। देखिए क्या क्या बनाई हूँ मैं। ये आलू बैंगन बड़ी का सब्जी है, ये चिकन है और ये ऑमलेट। ये सुबह का नाश्ता जो था वो, और ये चावल। बस आज का दोपहर का खाना यही है। तो यहाँ ऊपर का काम तो सब हो गया है, अब नीचे करने जा रही हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा, कल फिर मिलेंगे। नमस्ते, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते, कल फिर मिलते हैं।